अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें उसने ये कहा है, आपने मेथड्स बताने हैं, तरीके बताने हैं सॉल्व करने के, हल करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? एक फैक्टराइजेशन है जिसे तजजी कहती हैं, एक कम्प्लीटिंग स्क्वेयर है जिसे आप कहते हैं तकमीले मुरब्बा, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, ये इसके नाम थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें ये कहा है आपने इसे सॉल्व करना है। जब भी वो कहते हैं आपने सॉल्व करना है, वहाँ से आपने वेरिएबल का आंसर निकालना है। ठीक है, ये इस इक्वेशन से क्या निकालना है? वेरिएबल एक्स का आंसर निकालना है। अब ये देखें एक्स का आंसर कैसे आएगा, जब ये स्केयर ख़त्म होगा, जब ये क्या ख़त्म होगा, स्केयर। तो स्केयर कैसे ख़त्म होता है आपको पता है? स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ता है। इधर भी मैं अगर स्केयर रूट लेता हूँ तो इस साइड पे भी मुझे क्या लेना होगा? स्केयर रूट। दोनों साइड पे मैंने क्या लिया? स्केयर रूट लिया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए एक्स का। तो एक्स किस में है? स्केयर में। ये देखें ना, इसका ऊपर क्या है? स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए मैंने क्या लिया? स्केयर रूट लिया। तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हुए, ये आंसर आया 2x-1/2। यहाँ पे स्केयर रूट 3 का जो स्केयर रूट होता है वो 9 का जो होता है 3 होता है, 4 का क्या होता है 2। जब भी स्केयर रूट ख़त्म होता है 7 क्या आता है? प्लस माइनस। 7 क्या आता है? प्लस माइनस। अब मैं ये करता हूँ, इसको एक दफ़ा प्लस के इक्वल रखता हूँ, 1 2x-1/2 इज इक्वल टू 3/3/2। इसी को मैं अब इक्वल रखता हूँ किसके? माइनस 3/2 के। ठीक है, इसको मैंने एक दफ़ा प्लस के इक्वल रखा है, एक दफ़ा किसके? माइनस के। अब मैंने आंसर जो निकालना है वो इसका निकालना है एक्स का, इधर से भी एक्स का निकालना है। इसको भी ख़त्म करना है और इसको भी। पहले ये कैसे ख़त्म होगा? ये माइनस हो रहा है, उधर जा क्या होगा? प्लस होगा। इधर आ क्या होगा? प्लस होगा। इधर क्या बच गया? 2x बच गया। ठीक है, इधर क्या बच गया? 2x। ये देखें यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। कैसे पता चलता है एलसीएम लिया जाएगा? जब नंबर डिवीजन में हो, जब नंबर डिवीजन में हो, दरमियान में या प्लस हो या माइनस हो, उसका हल क्या होता है? एलसीएम होता है, जूज ऑफ कल होता है। अगर डिवीजन सेम हो, ये डिवीजन के नंबर सेम हो, तो एलसीएम भी वही होता है, यही एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम क्या? 2। अगर डिवीजन और जो एलसीएम अगर सेम हो जाए तो ऊपर वाला उसी तरह लिखते हैं, ये 3 उसी तरह लिखेंगे। इसका भी डिवीजन और ये सेम है, ऊपर वाला उसी तरह आएगा 1। इधर ये देखें एक्स का आंसर निकाल लीजिए, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या होगा? प्लस होगा। ये इधर आगे क्या हुआ है? अब प्लस हुआ है। तो इसका भी एलसीएम क्या है? डिवीजन सेम है, यही एलसीएम है 2। ये डिवीजन और एलसीएम सेम, ऊपर वाला उसी तरह लिखते हैं, डिवीजन और एलसीएम सेम, ऊपर वाला 1 उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है? 3+1 4/2। इधर क्या? 2x है, इधर 2x है, इधर -3 और +1। प्लस माइनस क्या होता है? -3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन ग्रेटर का आएगा। ग्रेटर क्या है? 3 था, उसका साइन आया। अब ये देखें 2 2 टाइम क्या होता है? 4। 2 बचा, मैंने जो आंसर निकालना है वो एक्स का निकालना है। 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आ क्या होगा? डिवाइड। इधर क्या बचा? 2। 2 के नीचे आ क्या होगा? डिवाइड। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो क्या बचा है? 1। तो इधर देखते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 1। तो मैंने जो आंसर निकालना है वो एक्स का निकालना है। 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा। किसके नीचे? यहाँ पे बचा -1, -1 बचा था, -1 के नीचे जा क्या होगा? डिवाइड होगा। यही सोल्यूशन सेट है। क्या सोल्यूशन सेट है जो बने हैं? एक तो 1 आया आंसर, एक आंसर क्या आया? -1/2, -1/2। ये इसका सोल्यूशन सेट है। पार्ट 6 है, इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है? तो वेरिएबल का आंसर निकालना है। वेरिएबल क्या है? क्या स्केयर रूट के अंदर नहीं? स्केयर रूट ख़त्म होगा तो फिर वेरिएबल का आंसर रहेगा। तो स्केयर रूट को ख़त्म करने का क्या तरीकाकार होता है आपको पता है? जो स्केयर रूट होता है ये स्केयर से कैंसिल होता है। इधर स्केयर लिया तो इधर भी लूँगा। स्केयर को ख़त्म करना हो तो स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट को ख़त्म करना हो तो क्या लेते हैं? स्केयर रूट। यानी अपोजिट काम करते हैं। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, 3x+18 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। मैं ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे? ये एक्स स्केयर है, ये प्लस इधर आ गया -3x, ये प्लस इधर आ क्या होगा? माइनस। इधर क्या बच गया? 0। सीधा करके लिख लें, एक्स स्केयर -3x-18 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो फैक्टराइज कर लें, चाहें तो फार्मूला लगा लें,
चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा लें। मैं ऐसे करता हूँ, सिंपली फार्मूला लगाता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए ओवर टू ए। ये फार्मूला जहन में रखना है, ठीक है। ए क्या है, ए आपको पता है एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, जिसका कोई नहीं उसका वन होता है, ये वन इसका अददी सार है। एक्स का जो अददी सार है, जो मैग्नीट्यूड है, उसे बी कहते हैं। जो सी होता है वो कांस्टेंट होती है माइनस 18। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3। ये माइनस फार्मूले का है, ये जो माइनस है ये बी की वैल्यू है। प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या, माइनस 3 है। ऊपर क्या है, इसका स्क्वायर है माइनस 4। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। सी की वैल्यू क्या, माइनस 18। माइनस 18 इसका लेते हैं ऊपर स्क्वायर रूट 2। ए की वैल्यू क्या है, 1। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस माइनस। माइनस का जो स्केयर होता है वो प्लस में चेंज होता है। जब भी माइनस हो, माइनस की पावर इवन हो, इवन से मतलब 2, 4, 8 सही है 6, ये सारे क्या हैं, इवन। जो दो पे डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, जुफ्त होते हैं, जिसे इवन कहते हैं, ठीक है। जब भी इवन पावर हो, माइनस प्लस में चेंज होता है। 3 का स्केयर क्या होता है, 9, ये प्लस 9 बना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 1 टाइम 4 4, 18 टाइम कितना होता है, 18 टाइम देखते हैं। 4 8 टाइम 32 2 आया 3 कैरी। अच्छा ये देखें, 5 1 टाइम क्या 5 5 और 3 7 7, ठीक है 72 बना। ये क्या बना, 72। 2 1 टाइम 2। अब ये क्या बना है, इसे आगे सिंपलीफाई करता हूँ। ये 3 है, ये 9 प्लस 72, ये बना है भाई 81। नीचे क्या है, 2। नीचे क्या है, 2। ये दरमियान में था, सॉरी प्लस माइनस था, ठीक है प्लस माइनस। ये 3 उसी तरह, ये प्लस माइनस उसी तरह। 81 का जो उसके रूट होता है वो क्या होता है, 9 होता है। वो क्या होता है, 9। ये क्या है, 9। अब ये देखें, अब मैं इसे क्या करता हूँ, अलग अलग करता हूँ। ये प्लस के इक्वल भी है और माइनस के भी। मैं एक दफ़ा ऐसे करता हूँ, 3 प्लस 9 ओवर 2 लिखता हूँ। इसी को मैं लिखता हूँ 3 माइनस 9 ओवर 2। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, सिंपल है बिल्कुल। आपको पता है 3 प्लस 9 क्या होते हैं, 12 होते हैं। नीचे क्या है, 2। 2 6 टाइम क्या होता है, 12। 6 है आंसर। ये क्या है, ये प्लस 3 है, ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 नहीं आएगा। साइन किसका, ग्रेटर का। नीचे 2। 2 3 टाइम क्या होता है, 6। तो 7 क्या, माइनस। इसका जो आंसर है वो माइनस 3 आया है। सोल्यूशन सेट क्या है, 1 6 है, 1 माइनस 3। ये इसका क्या है, आंसर है।